मैं आई हुई थी केक लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी सारी वैरायटी है चॉकलेट की। वो पाइनएप्पल चॉकलेट है, ऑरेंज चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता, तो सारा ही चॉकलेट है यहाँ पे, हर टाइप का। यहाँ पे चॉकलेट की फैक्ट्री भी है, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर का चॉकलेट आपको मिल जाता है। तो हम लोग सोचे हैं जाते टाइम जो है चॉकलेट लेके जाएंगे। फिलहाल अभी केक लेना है तो जा रहे हैं केक लेने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे केक की वैरायटी है। ये है रेड फॉरेस्ट, ये स्कॉच बटर स्कॉच, ओके, और वो है मल्टी चॉकलेट, नटी चॉकलेट, ओके। तो इसका क्या बताया था आपने प्राइस? 700। अच्छा होगा ये। तो ये मैंने पिंक फॉरेस्ट लिया है, अब देखते हैं खाने में कैसा होता है। और इस पे मैंने लिखा है 7th एनिवर्सरी, क्योंकि मेरे 7th एनिवर्सरी है। और ये बहुत खूबसूरत ये जार लग रहा है, टेढ़ा सा, बहुत काफ़ी खूबसूरत है। देखो, मुझे पहले लगा कि टेढ़ा हो गया, लेकिन फिर देखा मैंने सारे एक जैसे हैं, तो पता चला कि ये डिज़ाइन ही इसका ऐसा है। हाँ, वाइट डार्क मिक्स नहीं है, मिक्स है। ओके, तो ये दे दो आप। वो राउंड वाला कैसा होगा? हाँ, अच्छा होगा वो। वो कितने की है? मिल्क चॉकलेट वाला चाहिए कि वाइट? मिल्क चॉकलेट कौन सी है? ओके, ये ना, हाँ ये चलेगा। तो कितने की है ये? ओके, ये लीजिए। टोटल डन ना, थैंक यू। 490। ये ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई है ना। केक और हीयू का जो है चॉकलेट मैंने ले लिया है। बलून सब भी रखते हो आप? तो यहाँ से मैंने लिया है, अन्नपूर्णी से बेकरी है यहाँ पे, बहुत ही फेमस। और 10 रुपीज़ रह गया था इनका, तो मैं वापस करने आई हूँ। 15 रुपीज़। तो केक फाइनली मैंने ले लिया है, और अब मैं जा रही हूँ अपने होटल की तरफ। और देखिए जंगलों के बीच से जो है अब हम अपने होटल में जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत जगह पे है हमारा होटल। बस प्रॉब्लम ये है थोड़ा दूर है, तो हम लोग अकेले वॉक पे भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगल बगल कोई भी मार्केट नहीं है, एकदम टॉप पे है, हिल टॉप पे। तो इस वजह से ये एक माइनस पॉइंट है, लेकिन खूबसूरत बहुत है। इसी वजह से है खूबसूरत, क्योंकि ग्रीनरी के बीच में है, जंगलों के बीच में। देखो कितना खतरनाक जंगल है, भयानक जंगल। बाद जो है मैंने ब्लॉग को वहीं पे स्टॉप कर दिया था, कि
बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता है, इस वजह से मैंने सोचा कि वहीं पे एंड कर देते हैं। और वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट की, उसके बाद फ्रेश हुई और अब जाके मैं तैयार हुई हूँ। और एनिवर्सरी के लिए मैंने ये अपना ड्रेस लिया था, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, वन पीस है। तो मैं हो गई हूँ रेडी एनिवर्सरी के लिए, और ये ड्रेस मैंने अपने एनिवर्सरी के लिए लिया था, तो बहुत पहले ही लिया था, मुझे पसंद आ गया था, तो मैंने सोचा था रेड है तो मैं अपने एनिवर्सरी पे पहनूंगी। तो मैं हो गई हूँ रेडी, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, केक वेक कट करेंगे, डिनर विनर करेंगे और वापस आएंगे। और यू मैडम भी हो गई है रेडी, और बहुत ही क्यूटी क्यूटी प्यारी प्यारी लग रही है, बेबी इसको नहीं उठाते हैं ठीक है फ्रॉक को। हाँ अब चले हम लोग। ओके, और मिस्टर झा यहाँ पे है रेडी, तो हम सब रेडी हो गए हैं और निकलते हैं केक वेक कट करके और जल्दी से वापस आते हैं। चलो जल्दी चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट नीचे में जो है, और वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, देखते हैं क्या सब होता है, डिनर विनर करेंगे बस आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। इसके अंदर ना लिफ्ट के अंदर इन्होंने ना एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस यहाँ पे डाल रखी है, और इसकी खुशबू ना इतनी अच्छी है कि मन करता उठा के लेके चले जाए। और देखते हैं पूछते हैं कि कौन सा ये फ्रेग्रेंस है, अगर इधर मिलेगा तो हम लोग लेके जाएंगे, इधर तो मिलना चाहिए क्योंकि ये लोग भी तो यहीं से लेते होंगे, तो इस वजह से पूछेंगे जाने से पहले। चल थैंक यू, मैं भी लेके आई। और ये सुंदर सा डेकोरेशन जो है, हमने एकदम सिंपल सा डेकोरेशन करवाया है और काफी अच्छा लग रहा है। हाँ हमारा वाला लग रहा है, नहीं ये अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है सिंपल डेकोरेशन। और पीछे जो है पूरा व्यू है जो कि मैं आपको बहुत बार दिखा भी चुकी हूँ, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और मिस्टर झा यहाँ पे रेडी है केक कट करने के लिए, और यहाँ का रेस्टोरेंट जो है पूरा काफ़ी खाली है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे अभी, और काफ़ी रात हो गया है, 9 बज रहे हैं। यहाँ पे खाने का जो है वो 7 o'clock से स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से, और यहाँ के स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है, बहुत ही अच्छे हैं, तो देख सकते हो आप पूरा ही खाली है। चलो रेडी हो, ही गाना भी चल रहा है हैप्पी एनिवर्सरी, ओहो चलो बहुत अच्छी बात है। रेडी हो ही हो, केक कट करें अब हम लोग, स्माइल, वेरी गुड, thank you.
पहले हमने जो है सूप के लिए ऑर्डर दिया था, सूप आ चुका है, हम जो है एंजॉय करेंगे सूप को। और मीठ नहीं होता है, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, कभी खाना खा कब खाई हो बताओ? तो जब खाओगी तभी तो टेस्ट पता चलेगा। तो हमने मनचाओ सूप के लिए बोला था, तो मनचाओ सूप काफी टेस्टी है, आ गया है। और ये है चिकन 65, राइट? ओके, इसको खा के देखते हैं कि कैसा है। हियू को क्या खाना है, चिकन? ओके, चिकन 65 ना बहुत टेस्टी है। ऐसे रखते हैं, ऐसे करते हैं, बीच में रखते हैं। अच्छा है ना, आपको अच्छा लगा? साथ में ये बहुत अच्छा है। वो क्या है? ये तो रोटी का पराठा होता है। वो क्या है? चिकन कोल्हापुरी, मालवाड़ चिकन। ओके, स्पाइसी होता है, लेस स्पाइसी। पियो खाओ बेटा। कौन मुंह से खाते रहो? खाना पीना हो चुका है हमारा डन, और मेरा मन कर रहा था कोक पीने का, बट यहाँ पे कोक था नहीं इनके पास, तो पेप्सी मुझे मिल गया और मैंने इसे गटक लिया। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ेदार था। और गुलाब जामुन अभी मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी, क्योंकि मिस्टर शाह का बोलना है कि आज के दिन तो मीठा खाना ही पड़ेगा, और मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब मिठाई वगैरह, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अच्छा हुआ मैंने खा लिया, इतना अच्छा स्वीट्स में मिस कर देती, बहुत टेस्टी है हॉट गुलाब जामुन। चलो जल्दी चलो, चलो अंदर चलो, अंदर चलो। किस पे जा रहा है? आई थिंक हाँ जी पे, करेक्ट करेक्ट। बस यार हो मम्मा, हाँ? आपको हमने लिफ्ट यूज नहीं करने आता है? नहीं, चल झूठी तक झूठी। क्या खाई हो? हाँ ये खाई, क्या खाई हो बताओ ना, दांत में क्या कर रही हो? अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो ये तो बता दो मुझे, ठुमक ठुमक के कहाँ? ये खेलना है, थोड़ा सा तुम झूल लो, मन कर रहा है झूलने का? जाओ तो झूल। अरे तुम तो बहुत बिग गर्ल हो गई हो। वाह, बट असल में ऐसे झूलते हैं, बीच में बैठ के झूलो, जब सिंगल होते हैं तो बीच में भी बैठ सकते होगी। बस खेलते हैं खेलते हैं, आओ ना थोड़ा सा घूमते हैं यहाँ पे, देखो कितना खूबसूरत ये व्यू, बाहर में ये व्यू लग रहा है ना, ये लटका लटका हुआ सा व्यू। इधर आओ बेटू, इधर कम, देखो यहाँ पे खड़ी हो तो, यस, रुक जाओ, रुको 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 ना। और यहाँ पे जो है हियू की रईसी चल रही है, हाँ हिरोसी हिरोसी देख रही है, वाह सही है। क्या सोना नहीं है हिरोसी? टीवी देखोगी? चलो देखो। मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि थोड़ा
यहाँ पे मैंने अपना लैपटॉप अभी ऑन कर लिया, रात के बज रहे हैं 11:30 आई थिंक या 12, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत जो है अपना कुछ फोटोज इधर ट्रांसफर कर दूँ, पूरा फोन भर गया है मेरा, और थोड़ा सा जो है ब्लॉग वगैरह जो है एडिट कर लूँ। अभी नींद आ नहीं रही है मुझे, और ही मैडम जो है टीवी देख रही है हीरोज।